नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में। मैं हूं प्रीति सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले राजनयिक संबोधन में अपनी विदेश नीति के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने अमेरिका इज बैक का ऐलान किया और एक नए युग का वादा किया है। जो बाइडेन गुरुवार को विदेश विभाग पहुंचे और अपनी सरकार की विदेश नीति के बारे में पहला संबोधन दिया। बाइडेन ने अपने भाषण में चीन और रूस के प्रति आक्रामक दृष्टिकोण का संकेत दिया है, तो वहीं म्यांमार की सेना से सैन्य शासन खत्म करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने यमन पर सऊदी हमलों का समर्थन बंद करने की घोषणा की है। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व को कई नई चुनौतियां हैं जिनसे रूबरू होना होगा, जिसमें चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा भी शामिल है। साथ ही बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी चुनौती दी और उन्होंने कहा कि मैंने अपने पहले की सरकारों से अलग हटकर राष्ट्रपति पुतिन से स्पष्ट किया है कि रूस की आक्रामकता के दिन अब लद गए हैं, जब वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव में हस्तक्षेप करता है। साथ ही साइबर हमलों को लेकर भी उन्होंने बात कही है। बाइडेन ने चीन को चुनौती माना है और कहा है कि चीन अपनी सेना का विस्तार कर रहा है और दुनिया भर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है। जो बाइडेन ने बीजिंग को अपना बड़ा प्रतिस्पर्धी भी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि आर्थिक टकराव, मानवाधिकारों के खिलाफ चीन के एक्शन के खिलाफ कदम उठाना होगा। इसके अलावा कई अहम बातें हैं जो बाइडेन ने कही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी गठबंधन उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और कूटनीति के साथ आगे बढ़ने का मतलब अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। आज की चर्चा में हम अमेरिका की विदेश नीति और खासतौर से चीन को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ पूर्व राजदूत नीरज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना सर, जो कि स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज सर, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। जो बाइडेन ने एक तरह से सिर्फ विदेश नीति को लेकर माना जाए तो पहला संबोधन दिया है, आपको इसमें क्या बड़ी बातें नजर आ रही हैं? देखिए, इसमें वैसे तो कई बड़ी बातें हैं, लेकिन चीन चीन को मैं खास फोकस दे के कहूंगा कि इसमें एक तो बात जैसे आपने कहा यह है कि चीन को अपना प्रतिस्पर्धा, वो कंपेटिटर मानते हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, वो ये है कि लेकिन अमेरिका चीन के साथ मिल के काम करेगा जहां पर उसके इंटरेस्ट जो है वो प्रमोट होते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये एक लिस्ट दी है पूरी, जिनके जिन देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ उन्होंने फोन पर बात की है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के हमारे जो क्लोजेस्ट एलाइज और फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने पर्सनली बात की है। उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, नेटो, मेक्सिको, कनाडा, भारत का कहीं नाम ही नहीं है उसके अंदर। इनफैक्ट भारत का नाम पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस वक्त भारत, अगर आप ट्रंप के से कंपेयर करें, उस से कंपेयर करें, तो इस वक्त भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस पर कमेंट करेंगे, लेकिन भारत का एक भी सेंटेंस, नाम निशान नहीं है उसके अंदर। तो ये देख के मुझे लगता है, अच्छा, एक और उनके जो टोनी, ये उनके एक बहुत क्लोज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था लास्ट मंथ, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चीन के साथ सीधी टक्कर नहीं करेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा अपने एलाइज के अलायंस को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनसे हम चीन को रोकेंगे। अब उस अलायंस में भारत का नाम ही कहीं नहीं है। तो उससे निष्कर्ष आप, अभी खैर ये अर्ली डेज है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी पूरी राजनीति को, पूरी विदेश नीति को इसी से, इस एक स्टेटमेंट पर बेस कर देना चाहिए। अभी हमें उन्हें समय देना चाहिए। लेकिन फिर जो फार्मर्स एजिटेशन पर जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो आया है स्टेटमेंट, उसमें भी उन्होंने ह्यूमन राइट्स वगैरह कर दिया है। तो इससे थोड़ी सी यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट में मेरा ख्याल है थोड़ी सी
कंसर्न होगी इसके बारे में। ठीक है असान सर, आपकी राय क्या है जो बाइडेन ने जो विदेश नीति को लेकर बातें कही हैं, और जैसा हमें श्रीवास्तव सर भी बता रहे हैं कि भारत का जिक्र ना होना कहीं ना कहीं एक बार विचार की वजह बन सकता है, और चीन को लेकर कुछ बातें कहना लेकिन भारत का जिक्र ना होना, आपकी नजर में क्या संकेत है? देखिए, जो पॉइंट अभी नीरज जी ने बताए ये नोटवर्दी तो हैं, लेकिन हमें दो चीजें समझनी चाहिए। सबसे पहले जो बाइडेन बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं और उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के कारण वो सारी बातें जो हैं वो प्रायोरिटी के मुताबिक करते हैं। अभी अगर आप प्रायोरिटी देखें अमेरिका की, अगर मैं अमेरिका की तरफ से सोचूं इस बात को, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा उनका कहना कि भाई चाइना इज माय मोस्ट सीरियस कॉम्पिटिटर, कोई शक नहीं है इसमें। और ये चीज जो है पहले से चल रही है, ट्रेड वॉर, कोविड, ये सब जो कुछ भी हुआ उससे एक तरीके से ये डाई हैज बीन कास्ट। दूसरी बात, उन्होंने ये बोला कि हम पूरी तरीके से इस चैलेंज का सामना करें, तो चाइना का जो चैलेंज है उसको उन्होंने स्वीकार करा, और यह भी साफ साफ बताया कि अमेरिका जो है वो वॉकओवर देने वाला नहीं है और हर नीति पे उसका सामना करेगा। अब जहां तक आती है बात अलायंस की, अब क्या हुआ था कि ट्रंप की जब अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी आई थी तो उससे सारे इनके जो एलाइज हैं, जो ऑलरेडी अलायंस में है, भारत एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है, तो अब आप दोनों में थोड़ा सा फर्क समझिए। तो सबसे पहला इनका काम है कि इनको अलायंस रिपेयर करना है, और इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखें तो सबसे ज्यादा खतरा कहां हो रहा है अलायंस का आज की डेट में? ताइवान उन्होंने मेंशन किया, साउथ कोरिया उन्होंने मेंशन किया, जापान उन्होंने मेंशन किया। मेरा भी बहुत चर्चा होती है अमेरिकन थिंक टैंक्स के साथ। जो जहां तक भारत का सवाल है, इन सबका ये मानना है कि जो भारत और लद्दाख के बीच में और हमारे और चीन के बीच में बातचीत चल रही है, भारत सक्षम है, स्ट्रांग है, जो अपने आप संभाल सकता है, जो मदद चाहिए वो दे रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट को अगर आप थोड़ा सा हट के ये देखें कि जो उनके जो नए अपॉइंटी हैं, जो स्टेट सेक्रेटरी बने हैं और जो डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं, उनकी स्टेटमेंट में भारत के का बहुत ही अच्छी तरीके से जिक्र है और डिटेल में जिक्र है, और ये बताया गया है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है और जो बाइडेन साहब को भी मालूम है कि आज की डेट में जो देश दुनिया की जो इकोनॉमिक धुरी है और जो पॉपुलेशन की धुरी है और डेवलपमेंट की धुरी है वो इंडो पैसिफिक है, और इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा जो पार्टनर उनको उनके सामने जो उभर के आ सकता है वो भारत। तो भारत के साथ में संबंध तो वो बनाएंगे, ये बहुत एक स्टेटमेंट से हमें जैसा कि बताया नीरज साहब ने, पूरी हर चीज पूरी फॉरेन पॉलिसी रीड नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात ये है कि अब एक और जगह हमारे संबंध आपस में मिल रहे हैं, जो हमारे इंटरेस्ट है भारत के और यूएसए के आपस में बहुत जबरदस्त मिल रहे हैं, वो है कि चीन ने एक हल्ला धावा बोल दिया है डेमोक्रेसी के ऊपर। अभी एक पुरानी जो लड़ाइयां थी वो तो चली रही थी, ट्रेड वॉर है, साइबर है, उनका जो आईपीआर है, रिवर्सिंग इंजीनियरिंग कर लेते हैं वो लोग, इन सब की ये सब प्रॉब्लम तो चली रही थी। अब इसमें क्या है कि जो ये डेमोक्रेसी वाली कहानी है, जिसमें म्यांमार का अलग से जिक्र करना जरूरी हो गया, क्योंकि अभी ये वॉर ऑफ सिस्टम्स है और इस सिस्टम्स के वॉर में भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं, और इसमें जो है अभी चीन ने वीटो लगा दिया, उसको कू भी नहीं बोलने दिया, तो ये कहीं ना कहीं इसका, इस म्यांमार का जो कू है, इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो चीन को हो रहा है, ये उनके लिए पॉइंट आउट करना जरूरी था। दूसरी चीज ये है, ताइवान उनके लिए पॉइंट आउट करना जरूरी था। बार बार जो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं चीन ताइवान के ऊपर, वो उसको मिस नहीं कर सकते थे किसी भी हालत में अपनी पहली स्टेटमेंट में, और उन्होंने बताया है कि भाई हम वॉकओवर भी नहीं दे रहे हैं, और उसको करके भी दिखाया है कि उन्होंने निमिट्स को भेज दिया, जो उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको उन्होंने साउथ चाइना सी में और ताइवान स्टेट की तरफ रवाना कर दिया है, और इस समय हवाई उड़ाने भी काफी वो बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज भी बताई है। दूसरा संकेत उन्होंने दिया ताइवान की तरफ से कि उनके जो राजनयिक है उनको भी बुलाया अपने शपथ ग्रहण समारोह में, और ये भी अभी बता दिया गया है, पॉलिसीज निकल के आ रही हैं कि शायद अब एम्बेसडर भी वहां पर एक नियुक्त कर दिए जाएं, या वो स्टेटस पे नियुक्त किया जाए।
तो ये वो मिस नहीं कर सकते थे, ये भी इसमें प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखें तो। तीसरी चीज जो है उन्होंने इसके बारे में, ईरान के बारे में वो मिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक मेजर शिफ्ट है पॉलिसी का कि अभी ईरान सेंट्रिक होने से उनको दिक्कत हो रही थी कि उनका इंगेजमेंट पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, अब वो ईरान और लीबिया ये उनको अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा है, तो वहां से वो हटा के वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं चीन के ऊपर। रूस को भी उन्होंने संदेश दिया, क्योंकि रूस जो है वो भी शामिल था चीन के साथ जब उसने म्यांमार को वीटो लगाया, और रूस जो है वो भी इस किस्म के जो उन्होंने इलेक्शंस वगैरह के बातचीत जो उन्होंने की वो भी एक संदेश देना जरूरी था। जहां तक भारत का सवाल है, हमारे सारे अभी हमारे यहाँ कोई भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है हमारे और उनके बीच में, और जनरली अगर आप देखें तो हर चीज में हमारे विचार मिल रहे हैं और हमारे इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो भारत को संबोधित करना या भारत के लिए कोई मैसेज देना मेरे विचार से वो अभी वेट कर सकता था जो उनकी पहली स्पीच है उसके उसके हिसाब से। तो मैं इसको ये नहीं मानूंगा कि इसमें कोई हमें नेगेटिव डिडक्शन निकालना चाहिए। जहां तक ट्रंप का सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, वो भारत के बारे में ज्यादा बात करते थे, ये अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट चेंज होते हैं, आदमी बदल जाते हैं, लेकिन मेरे विचार से जो एक कैसे कहते हैं ना, डाई हैज बीन कास्ट, तो दैट डाई हैज बीन कास्ट बिटवीन इंडिया, बिटवीन चाइना एंड यूएस, एंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो है उनकी वो इतनी आसानी से जल्दी बदली नहीं होती है। और उसमें हमारे 4-5 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कॉमकासा अभी साइन हुआ है, फाउंडेशन एग्रीमेंट क्लियर कट साइन हुए हैं। अब अगर आप देखें, हालांकि उन्होंने जापान की बात करी लेकिन क्वाड की बात नहीं करी, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जी इन्होंने क्वाड क्या ये क्वाड के पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन उनके जो स्टेटमेंट जो उनके बाकी लोगों ने दी है उसके मुताबिक वो क्वाड की तरफ काफी सीरियस हैं। तो मेरे विचार से इसको इस तरीके से बैलेंस तरीके से इसको पढ़ने से मेरे विचार से वो ज्यादा हमारे, क्योंकि क्योंकि आप कह रहे हैं कि आदमी बदल जाते हैं, लेकिन ये वही बाइडेन है जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से कुछ साल पहले जब एक इंटरव्यू दिया था और कहा था अगर हम एक शांत दुनिया चाहते हैं, स्थिर दुनिया चाहते हैं, तो सबसे अच्छे साझेदार उसमें अमेरिका और भारत हो सकते हैं, ये बात भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। नीरज श्रीवास्तव सर, अगर थोड़ा आगे बढ़ें और हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अगर बात करें, तो अमेरिका भी वही मानता है कमोबेश जो नजरिया भारत का है, वो मानता है कि चीन की जो बढ़ती आर्थिक शक्ति है वो हिंद प्रशांत यानी जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसके नाजुक संतुलन को अस्थिर कर सकती है और कर भी रही है, और अगर चीन के व्यवहार को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो इस इलाके की शांति खतरे में पड़ सकती है। किस तरह से ये जो नजरिया है वो भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, और कैसे भारत इसमें अमेरिका या एक समान विचार वाले देशों को साथ ला सकता है, और बाइडेन का रुख क्या रहेगा? अगर आप चीन की गतिविधियां रोकना चाहते हैं इस इंडो पैसिफिक में, इस मतलब इस हिंद महासागर में, तो आपको क्वाड का मेंशन करना चाहिए या आपको इंडो पैसिफिक का मेंशन करना चाहिए? क्वाड के 3 मेंबर्स का तो नाम उन्होंने मेंशन किया है, जापान, साउथ कोरिया, और मतलब 4 है उसमें, तो अमेरिका तो एक है, लेकिन चौथा पार्टनर जो है उसका नाम नहीं उन्होंने कहीं नहीं मेंशन किया है। तो जो चाइना के जो जो डिप्लोमेट्स हैं, जो चाइनीज पॉलिसी मेकर जब वो ये पढ़ेंगे तो उनको ये पढ़ के बड़ी खुशी होगी कि इसमें ना तो इंडो पैसिफिक का मेंशन है, ना ही इसमें क्वाड का मेंशन है। तो इसका मतलब तो ये कि उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है क्योंकि ये मेजर फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट है। अगर भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है इन्हों की, अगर इन्होंने वो 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो इसका मतलब जब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था तब तक इट वॉज वेरी कैटेगोरिकल, किसी भी उसमें वो मैंशन करते थे, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में, अगर आप ताइवान को आप 2 पैराग्राफ दे सकते हैं और बर्मा को आप 2 पैराग्राफ दे सकते हैं, और दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसके बारे में कुछ नहीं है, क्वाड के बारे में कुछ नहीं है, इंडो पैसिफिक के बारे में कुछ नहीं है, तो इसके संकेत, और फिर वो जो स्टेटमेंट ऑन फार्मर्स एसोसिएशन है, तो ये संकेत इस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बदल नहीं सकता या बदलेगा नहीं, लेकिन मैं हम ये आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो होती है
ये रोज बरोज बदलती है, बल्कि सुबह से शाम में बदल जाती है। ये हो सकता है कि ये कल को और स्टेटमेंट कोई दें जिसमें कि पूरा भारत के बारे में भी स्टेटमेंट दें, लेकिन मैं आज डिस्कस आपके साथ आपने जो क्वेश्चन पूछा है, तो जो आपके क्वेश्चन का जो मेरा जवाब है वो थोड़ा नेगेटिव ही जवाब है। ये ठीक है, असाना सर थोड़ा आप इसे और समझाइए, जिस तरह श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि चीन का विस्तार बढ़ना और चीन का लगातार प्रभाव बढ़ना, दुनिया में बढ़ाने की जो उसकी मंशा है, विस्तारवादी जो नीतियां हैं, उसे जरूर चुनौती मान रहे हैं जो बाइडेन। जापान का जिक्र कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक का जिक्र नहीं हो रहा है और इंडिया का जिक्र नहीं हो रहा है, थोड़ा आप और समझाइए। तो फिर चीन की चुनौती जो है वो क्या कुछ बहुत सिलेक्टिव फ्रंट पर मान रहे हैं? जब हम बात करते हैं चीन की विस्तारवादी नीति, कहाँ हो रहा है विस्तारवाद? इंडो पैसिफिक। जापान कहाँ लोकेटेड है? इंडो पैसिफिक। ताइवान कहाँ लोकेटेड है? इंडो पैसिफिक। साउथ कोरिया कहाँ लोकेटेड है? इंडो पैसिफिक। सो चाहे उन्होंने इंडो पैसिफिक का नाम नहीं लिया, लेकिन कहानी तो सारी इंडो पैसिफिक की है। निमिट्स कहाँ सेल कर रहा है? इन्हीं के दौरान, इन्हीं के टाइम में इंडो पैसिफिक। तो सवाल यह है कि इंडो पैसिफिक ही वो इलाका है जहां पर चीन और अमेरिका के बीच में मिलिट्री पोस्चरिंग हो रही है और मिलिट्री पोस्चरिंग का जो कंपटीशन हो रहा है। अब आपने जो पहला सवाल पूछा था उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि भारत और हिंद महासागर में हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, जिसमें एक अमरीका अभी भी काम कर रहा है, और वो ये है कि अमरीका ने जितने चीन के साथ फ्रिक्शन पॉइंट है वहां पर वो लोग भी पोस्चर कर रहे हैं। पोस्चरिंग का मतलब होता है अपना साजो सामान युद्ध का वहां पर ले जाना और उसको उड़ाना और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्रीडम ऑफ फ्लाइट को मेंटेन करना, ये वो अभी कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि चीन वहां के जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो लड़ाई का साजो सामान है, वो वहां से उठा के हमारे सामने नहीं ला सकता, और उसको काफी हद तक सामान जो है वो साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में लगाना पड़ेगा, वो सामान हिंद महासागर में नहीं आ सकता। इससे हमें इनडायरेक्ट हेल्प मिली। जो बाइडेन के बारे में मेरे विचार से विचारधारा अभी इतनी जल्दी बनाना सही नहीं होगा, अभी वक्त है, बहुत वक्त है, तो वो आए ही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो बाइडेन ने उनका ये जो डेमोक्रेट्स का, और कई सारे डेमोक्रेट ऐसे लोग हैं जो भारत को मौके मौके पे क्रिटिसाइज करते रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में और इन सब चीजों के बारे में, लेकिन ये अकेला भारत ही नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड को क्रिटिसाइज करते हैं, ये उनकी राजनीतिक तरीका है। हर पार्टी, जैसे बोलते हैं ना डेमोक्रेसी में, उनका अपना एक एजेंडा होता है, तो ये एक इनका भी एजेंडा है और ये लोग करते रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये बंद करेंगे, ये करेंगे भी। लेकिन हमें जब अपने जब ग्लोबल इंटरेस्ट देखने होते हैं तो उसको जो है वो इनसे थोड़ा सा परे रियल पॉलिटिक के ऊपर आना पड़ता है कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं ग्राउंड पर। तो ग्राउंड पर हम जो कुछ भी कर रहे थे उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज हुआ है। आपने कोई भी पॉलिसी में कोई चेंज देखा अभी तक जो अभी तक हुआ है, जो पहले बन गई थी? तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास बदली होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है जो पॉइंट नोटिस करने की बात हमारे को पैनलिस्ट ने बताई है, वो पॉइंट जाहिर है कि ये नोटिस हुआ है, भारतीय भी नोटिस कर रहे हैं, बाकियों ने भी नोटिस किया है कि भाई कुछ चीजों में कहीं ऐसा तो नहीं है, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहेगा, और वो क्वेश्चन मार्क ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चीन के साथ सिर्फ ट्रेड में डील करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते, और शायद ये उसी से चीन को, उससे साइबर से, इन सब चीजों से चीन को, या स्पेस हो गया, इस किस्म की पॉलिसी से उससे चीन को घेरना चाहते हैं। तो ये डाउट रहेगा, लेकिन इसमें अभी थोड़ा मेरे विचार से इंतजार करना ज्यादा ठीक है। ठीक, तो नीरज श्रीवास्तव सर, जो आपका नजरिया है बाइडेन की स्पीच के बाद, इन हालातों में भारत को फिलहाल क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 35 साल के एक्सपीरियंस, बिल्कुल यही कर काम एक्चुअली करते हुए, पर मैं अमेरिका में मैं सर्व कर चुका हूँ, तो मैं अभी ये बताना चाहूंगा कि कोई बेसिस है। पॉइंट ये है कि चीन विस्तार सिर्फ इंडो पैसिफिक में ही नहीं कर रहा है, चीन विस्तार ईस्टर्न लद्दाख में भी कर रहा है। जो भारत के साथ जो एक्सपेंशनिज्म, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि एक्सपेंशनिज्म, वो और जिसको कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार माना था कि एक्सपेंशनिज्म है,
वो ईस्टर्न लद्दाख में भी हो रहा है, सिर्फ सिर्फ इंडो पैसिफिक में नहीं हो रहा है। और लद्दाख में क्या एक्सपेंशनिज्म नहीं है चीन का? वो क्या इट इज नॉट एक्सपेंशनिज्म? क्वाड में जो है, जो क्वाड जो एक्सरसाइज मलाबार एक्सरसाइज करता है, तो वो इंडो पैसिफिक का तो नाम आना चाहिए ना भाई, उसके अंदर इंडो तो आना चाहिए कहीं ना कहीं। आप इंडिया का नाम ना भी ले चलिए तो इंडो पैसिफिक तो लीजिए कम से कम नाम, वो भी मिसिंग है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब बहुत एक जिसको कहा जाता है ना, बहुत केयरफुली इसको पढ़ा, लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है। और मैं उसी तरह से पढ़ रहा हूँ जो कि विदेश मंत्रालय में जो लोग डिसीजंस लेते हैं वो उस तरह पढ़ते हैं। मैं उतना बड़ा स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अपने 35 साल के एक्सपीरियंस से जिस तरीके से ये चीज़ें एनालाइज की जाती हैं स्पीचेस, उस तरीके से मैं एनालाइज करके आपको अपना व्यू बता रहा हूँ। सर मैं ये समझना चाह रही थी कि भारत को क्या करना चाहिए अब जो... भारत को ये करना चाहिए कि भारत अब ये करेगा कि भारत पहले तो कुछ दिनों तक भारत ने एक तो ऑलरेडी कर दिया है एक काम, जो स्टेट डिपार्टमेंट का जो आया था जो स्टेटमेंट कि ये फॉरेन प्रोटेस्ट पर, तो भारत ने कल स्टेटमेंट दिया है भारतीय विदेश मंत्रालय में, उसने कहा है कि देखिए जो आपके यहाँ कैपिटल हिल पे हुआ था, आप जरा उसको मद्देनजर रखते हुए तब इसको आप करिए। आप ज्यादा ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो भारत ने इशारा उसका एक जिसको कहा जाए एक मुंह तोड़ जवाब देना वो दे दिया है उनको। और भारत अब भारत बैठ के इसको वॉच करेगा सिचुएशन को कि क्या होता है, और उसके बाद ये होता है कुछ दिनों के बाद अगर कोई अगर स्थिति क्लियर नहीं हुई तो ये ओपनली नहीं, क्योंकि डिप्लोमेसी का ज़्यादातर वर्क न्यूज़पेपर्स के थ्रू नहीं होता और नहीं थिंक टैंक्स के थ्रू होता है। डिप्लोमेसी का जो असली वर्क होता है वो डिप्लोमैट्स के थ्रू होता है, जो कि सारा क्लासिफाइड होता है। उसमें ये होगा कि वी विल सी क्लैरिफिकेशन, हम उन हमारी उनको बुला के यहाँ पर भी और वाशिंगटन में भी हम उनसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे कि आपका असली तात्पर्य इसका क्या है। किसी से भी अपने एक तो अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप एकदम नॉट अलाउड, चाहे ह्यूमन राइट हो चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे जो नथिंग डूइंग, तो ये होगा आगे चल के, ये होगा। आप ठीक है असान सर, आपकी नजर में भारत को क्या करना चाहिए? और एक तरह से देखें तो जो बाइडन का संबोधन था उसके बाद जो चीन की प्रतिक्रिया आई और कहा गया कि ये स्वाभाविक है कि हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन हमारे साझा हित ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम अगर दोनों देश सहयोग करें तो बड़ी उपलब्धियां भी हासिल हो सकती हैं। यानी एक तरह से देखें तो मतभेदों की तुलना में उनके जो साझा हित है वो ज्यादा महत्व रखते हैं। तो चीन की भी कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया आई है, तो इस पूरे पूरे अगर माहौल को देखें तो इसमें भारत को क्या करना चाहिए? देखिए मैं नीरज जी की आखिरी बात से काफी सहमत हूँ। भारत इस समय एक कॉन्फिडेंट है और जो हमारी जिसे बोलते हैं सेल्फ ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक जो ऑटोनॉमी है हमारी वो हमारे पास है। और मेरे विचार से अभी जो ये इस दशक का भारत है इसने इसको बार बार दर्शाया है। ट्रंप के टाइम में भी आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी वो कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उनको क्लियर कट जवाब दे दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कि नहीं वो तो हमारा आपस का मामला है हम अपने आप निपटा देंगे। तो दो बार उन्होंने ऐसा कहा, तो ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं और पहले भी आई हैं, अब भी आई है और अभी भी मेरे विचार से काफी अप्रोप्रिएट जवाब दिया है जो कि नीरज जी ने साफ बताया कि किस किस्म से हम लोगों ने जवाब दिया है। तो मेरे विचार से उस मामले में तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां तक कॉमनैलिटी का सवाल है, जिसे बोलते हैं कि सामरिक तौर पे इट इज परमानेंट इंटरेस्ट विच मैटर्स, हमें चीन से अमेरिका से जो कुछ भी फायदा मिल सकता है वो हमें उठाना चाहिए किसी भी तरीके से। तो उसमें कई सारी चीजें हैं जिसमें हमारे अमेरिका हमारे लिए हेल्पफुल है और वो हेल्प भी चल रही है। तो भारत को अपनी जो राजनीति, जो मेरे विचार से हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी इस मुताबिक काम कर रही है, और इन स्टेटमेंट्स को हमें और पढ़ना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट जो है मेरे विचार से
जो परमानेंट रिलेशन है उसमें कहा जाता है ना कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोज, इट इज परमानेंट इंटरेस्ट बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि दो देशों के बीच में परमानेंट इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा महत्व रखते हैं। किसने क्या बोला वो तो चेंज होता रहता है। मेरे विचार से प्रेसिडेंट ट्रंप ने, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी होगी, लेकिन फिर भी हमारे काफी अच्छे संबंध चले। अभी जहां तक जो बैजन के सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा, पहले से भी था कि शायद ये सॉफ्ट होंगे चीन पे, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहा है, और शायद भारत के साथ उतनी नजदीकियां ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन मार्क के साथ हमें उनको नहीं आंकना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी एनवायरमेंट चेंज हो गया है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट चेंज हो गया है, चीन बड़ा उभर के आ गया है, उनको भी भारत की जरूरत है, हमें भी उनकी जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और मेरे विचार से उसी चीज को हमें समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ एसडीएस थाना सर आपका, नीरज श्रीवास्तव सर आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद जो बाइडन ने विदेश नीति को लेकर अपना पहला संबोधन दिया, और काफी हद तक अगर देखें तो वो अमेरिका के नजरिए को साफ कर रहा है और चीन को प्रतिद्वंदी भी बता रहे हैं, बड़ी चुनौती भी बता रहे हैं, लेकिन भारत इसको किस तरह से समझे, इसमें भारत की भूमिका क्या होगी, उसके हित में क्या होगा, इसके लिए जैसा हमारे मेहमान भी कह रहे हैं कि थोड़ा वेट एंड वॉच की नीति अपनानी होगी। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।